माया मोहत मोहे लीना, ताते ज्ञान रत्न हर लीना। हम सब एक बात जानते हैं, संसार चला चली का मेला है, यहां कोई किसी का नहीं है और मृत्यु अवश्यभावी। अक्सर मैं काम क्रोध लोभ मोह पर काफी बात करता हूं, मन पर बहुत बात करता हूं। बंधु, इस आत्मा का और कोई बैर ही नहीं है। अगर आप जितने भी धर्म संसार में प्रचलित हैं उनकी तरफ दृष्टिपात करेंगे तो कम से कम आत्मा की व्याख्या सबने एक ही बोली है कि अविनाशी है सब चीजें। और एक बात बड़ी स्पष्ट है, हम सब बंधन में। आइए थोड़ा मोह पर विचार करते हैं। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजत भविष्यूला। इस काया के अंदर पांच धुरंधर रह रहे हैं, बड़े प्रबल है, प्रबल अविद्या का परिवार। खल कामादिक मोह अपारा, ये माया का प्रबल परिवार है, मन और माया का। काम क्रोध लोभ मोह, इसको कोई जीत नहीं सकता है, ये असाध्य शत्रु है। हम कथाओं में पढ़ते हैं और धर्मशास्त्रों में देखते हैं, कथाओं में सुनते हैं, कितने बड़े बड़े धुरंधर योगेश्वर हुए, सबको मटिया मेट कर दिया। हालांकि ये सभी एक दूसरे से ताकतवर हैं। काम से अधिक क्रोध प्रचंडा, काम ने तो बड़े धुरंधरों को आदि से मारना शुरू किया, जो सिलसिला आज भी है, वो सिलसिला आज भी चल रहा है। ये सम्यक चीज है, इस पर सबको विचार करना होगा। हमारी आत्मा की ये वृत्ति नहीं है। दूसरी एक बात बड़ी अच्छी है, गाहे बजाए परोक्ष अप्रोक्ष रूप में हम सब एक बात स्वीकार कर रहे हैं कि भाई हम बंधे हैं, और इस तथ्य को भी हम स्वीकार कर रहे हैं कि मोह माया में बंधे हैं, मन माया में बंधे हैं, पर आगे कोई विचार नहीं करता। आपको बताऊं, इस समय दुनिया के अंदर जो विकार है उन विकारों में दो चीजें बहुत बढ़ रही है, नशे बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहा है, यहां की बात नहीं पूरी दुनिया में, हिंसा बढ़ रही है, नशा इंसान को खत्म कर देता है। नशा करने वाला वो देख भी रहा है। मान लो जो नया नशा कर रहा है वो ये नहीं देख रहा है कि नशा करने वालों की क्या हालत होती है, देख रहा है जान जान नर करें दिठाई दिठाई दिठाई, बूढ़ा जाए था न पाई। जान जान कर मनुष्य इनसे बचना भी चाहता है, यही बंधन है, कोई इनसे बच नहीं पा रहा है। पार लगन को हर कोई चाहे पर बिन सदगुरु कोई था न पाए। अस असुर घट में बसे, आखिर इन्होंने बांधा है, क्या हम सब नहीं जानते इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। हमारे बुजुर्ग चले गए, आप लोगों के भी चले गए। मैं पूछना चाहता हूं, आप उनको कितना याद कर रहे हैं? कुछ नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये जग जिनके हित पर लोग बिगाड़ा, अंतकाल वो ना है सहाय। ये बड़े शत्रु हैं जिन्होंने बड़े बड़े
धुरंधरों को लपेटे में लिया। माया मोह कठिन संसारा, यह विचार न कहो विचारा। अब यहां साहब कह रहे हैं ये माया मोह, मोहते लीना ताते ज्ञान रत्न हर लीना। माया मोह कठिन है फंदा, होए विवेकी सूजन बंदा। सत्यनाम अति दुर्लभ है और ते नहीं काम, आदि अंतर जुग जुगे सत्य नाम संग्राम। जहां नाम तहां काल गत नाही, बिना नाम सब काल की छाए। सबसे बड़ी विडंबना क्या है, ये काया में रह रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। मेरे विचार से जीवन काल में कई बार आपने गुस्सा करके पछताया होगा, फिर बुला देता है। जैसे किसी को बेड़ियों से बांध कर बेड़ियों में रखते हैं तो वो चल भी नहीं पाता है, हाथों में हथकड़ी है, कुछ कर नहीं पाता है। इस तरह आत्मा यहां बंधन में है, और जो बंधन में है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। आगे कह रहे हैं एक एक काल सकल संसार, क्या ये माया का जाल है। विद्वजन और शास्त्र कह भी रहे हैं कि माया में फंसे हैं और माया जाल में ये फंसा है। शेर ताकतवर है, शेर को भी जाल में फंसाते हैं कभी कभी, उस जाल से बाहर नहीं निकल पाता है। एक कहानी आती है, एक बार एक चूहे को शेर ने अपने पंजे में जकड़ लिया। चूहे ने कहा मुझे छोड़ दो, मैं आपको मुसीबत में काम आऊंगा। शेर ने कहा ऐ चूहे तू क्या मेरे काम आएगा। बोला हुजूर मुझे एक बार छोड़ दो, कभी मुसीबत में मैं आपको काम आ जाऊंगा। शेर ने छोड़ दिया। कुछ समय बाद शिकारी ने जाल डाली थी, जाल में शेर फंस गया। शेर ने बड़ी कोशिश की, जाल से बाहर नहीं निकल सका। चूहे को पता चला, गया जाल काट करके उसने शेर को बाहर कर दिया। वाह, तो यहां गोस्वामी जी कह रहे हैं हितैनत पशु पक्षी जाना। इसी तरह एक बार एक लकड़हारे को जंगल में कराहता हुआ शेर मिला, परेशान था, बीमारी में आदमी भी कराहता है, और वो बैठा था अपने तरीके से। शेर के पंजे में बहुत तगड़ा कांटा चुभा हुआ था, हाथी भी अपने पैर से कांटा नहीं निकाल सकता है, और वो जहर बन जाता। लकड़हारा जान गया कि इसकी आवाज में पीड़ा है, शेर के पास पहुंचा। शेर बार बार पंजा उठा करके यूं दिखा रहा था। लकड़हारा समझ गया इसके पैर में बड़ा तगड़ा कांटा चुभा है। लकड़हारे ने उसका कांटा निकाल दिया, चला गया। कुछ समय बाद उस शेर को, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, हितैनत पशु पक्षी जाना, मानव तन गुण ज्ञान निदान, पूरी दुनिया में मनुष्य श्रम हो रहा है।
उस लकड़हारे से कोई अपराध हो गया, पहला तो वो शेर को शिकारियों ने पिंजरे में पकड़ लिया और राज दरबार में ले गए। राजा ने उसको एक कमरे में रखा, उसको खुराक देते थे। राजा क्रूर था, किसी को जब मृत्यु दंड देता था तो उस शेर की कोठरी में डाल देता था, पिंजरे में शेर खा जाता था। उस लकड़हारे को भी पिंजरे में डाल दिया, मौत की सजा दी थी। शेर उसके पैर चाटने लगा। गोस्वामी जी सही कह रहे हैं, हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानव तन गुण ज्ञान निदान। मैं आपको छोटा उदाहरण दूंगा तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सभी बंधन में भैया। अधर में हरिश्चंद्र की कुटिया थी, वो भी नहीं बच। एक दिन मैं गाड़ी से जा रहा था, कुतिया के पिल्लू पूंछ हिलाते गाड़ी के आगे आ गए, छोटे थे। ड्राइवर नीचे उतरा, वो नहीं हट रहे थे। मेरी गाड़ी में हमेशा प्रसाद रहता है, बर्फी रहती है, लड्डू रहते हैं। मैं कहा इनको थोड़ा साइड लो, बर्फी दे दो। उन पिल्लुओं ने, दो थे, एक नर था एक मादा थी, बर्फी खाई पूछ रहा। मैं गया, संयोग से मुझे उस रास्ते से खेतों में जाना पड़ता था। इस तरह उन दोनों की ये रूटीन थी, रास्ते में आ जाते थे। मैं उनको बर्फी देता था। वो बड़े हो गए, वो भूले नहीं, उनमें कितना टैलेंट था। मेरी की मेरी गाड़ी की आवाज से जान जाते थे ये इनकी गाड़ी है। बड़े हुए, साल डेढ़ साल में कुत्ता बड़ा हो जाता है, कुतिया बड़ी हो जाती है, बच्चे देती है, उसने बच्चे भी दिए। कुतिया बड़ी तेज है, मैं बर्फी का टुकड़ा फेंकता हूँ, वो जमीन पर नहीं गिरने देती है, वहीं कैच कर लेती है। तो कह रहे हैं एक है काल सकल संसारा और मन ही आए काल कराला, विडंबना क्या है। बस ये जोड़ लगने नहीं दे रहा, न किसी तपस्वी का, न किसी साधक का, न किसी ऋषि मुनि का। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई। एक गीदड़ था, बड़बोला। बड़बोला आप समझते होंगे, आदमी भी कुछ बड़बोले मिल जाते होंगे। छोटी सी बात को कहे मैं ये किया मैं वो किया, वो बड़बोले होते हैं, उनको कहते हैं बड़बोला। गीदड़ भी बड़बोला था, उसकी शादी हुई गीदड़ी से। गीदड़ी ने पूछा आपका क्या नाम है, बोला मेरा नाम है शेर पछाड़। आम तौर पर देखने में आया आदमी भी अपनी स्त्री के आगे काफी बड़बोला होता है, ये किया वो किया। बोला भाई आपका नाम शेर पछाड़ क्यों है। बोला मैं शेर को भी मारा था इसलिए मेरा नाम लोगों ने रखा है शेर पछाड़। गीदड़ एक डरपोक प्राणी है, वो दिन में नहीं निकलता है, छुप के रहता है। एक दिन गीदड़ी ने दिल में सोचा बलमा मोर कोतवाल अब डर काहेगा। एक ये मुहावरा है,
एक कोतवाल की बीबी थी, सबसे झंझट लेती रहती थी, वो डरती नहीं थी, क्योंकि कहती थी बलमा मोर कोतवाल, मेरा बालम कोतवाल है, अब और कहां जाओगे तुम, अब डर काहे का। गिदड़ी ने कहा गीदड़ को, चलो जंगल की सैर करें। अब दिन में तो गीदड़ निकलता नहीं है सैर करने के लिए, डरपोक है। अभी चल पड़े, डींग जो मारी थी उसने कि मैं शेर पछाड़ू, जो शेर को मारता है बाकी जंगल का जानवर उसके आगे क्या होगा। इधर उधर घूमे, शेर बेचारा, गिदड़ बेचारा, उसका तो नाक में दम हो गया था। गिदड़ी निश्चिंत थी कि मेरा हस्बैंड ये गिदड़ शेर पछाड़े तो किससे डरना है। घूमते घूमते थक गए दोनों, और गिदड़ खैर मना रहा था, हाय बच गए, हाय बच गए। जब थक गए एक जगह, ऊंट बैठा था, गिदड़ी ने कहा इसका शिकार करो, कुछ खाएंगे। गिद्दड़ ने भी विचार किया ऊंट मेरा क्या करेगा, दौड़कर ऊंट की पीठ पे बैठ गया। ऊंट लंबा चौड़ा था, ऊंट आठ आठ नौ नौ दस दस फीट ऊंचे होते हैं, हाथी बारह से दस से पंद्रह फीट ऊंचे होते हैं। ऊंट खड़ा हो गया, अब गिद्दड़ ने सोचा इधर गिरूंगा तो हाथ पांव टूट जाएंगे, ऊपर इधर उधर घूम रहा था ऊंट के ऊपर। जब थोड़ी देर इस तरह का नाटक गिद्दड़ी ने देखा तो गिद्दड़ से कहा, अरे खसम कुछ दाव लगा इस पर। गिद्दड़ ने कहा दाव क्या लगाना, पांव नहीं लगने दे रहा है। गीदड़ ने बोला दाव क्या लगाना, ये पैर लगने ही नहीं दे रहा है। तो भैया आदमी के पांव लगने नहीं दे रहा है मन, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पैर ही नहीं लगने दे रहे, इनसे क्या लड़ेगा। तो किसी ने मुझसे पूछा फिर क्या हुआ, अरे फिर क्या होना था, घुमड़ी देकर ऊंट ने नीचे फेंका उसको। अरे आपकी खोपड़ी पर मान लो बकरा चढ़ जाए तो क्या करोगे भाई, उसने भी पटक दिया गीदड़ को, और गीदड़ के अपना ऊंट के पेट में एक घुमड़ी वो है कुब्बा है, उसे रगड़कर शेर को मार दिया, गीदड़ को मार दिया। मेरे भाई ये बड़े बड़े धुरंधरों को मार रहे हैं काल, साहब की बात बोलूंगा तो भैया सब नाराज हो जाएंगे, कहेंगे सबकी निंदा कर रहा है, पर सच्चाई क्या है, सच्चाई यह है, वो सुनो सच्चाई, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, राम गए और गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता अर्धना, जात कौरन लाग न भारा, गए भोजन साजन धारा, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, मृत्यु लोक है भैया कोई यहां रहा नहीं है, गए पांडव कुंती सी रानी, गए सहदेव जिन बुद्धिमत रानी, बहुत बुद्धिमान था सहदेव वो भी गए, सर्व सोन की लंक बनाई, उठत चली बार कछु संग न लाई, पूरी सोने की लंका थी रावण, संग कुछ नहीं ले गया, कुरिया जास आंतरिक्षाई, सो हरिश्चंद्र देख नहीं जाए, हरिश्चंद्र की अधर में कुटिया थी, सत्य की ताप उब गया।
मूर्ख मनुष्य अधिक संजोए, अपने मोल और नहीं रोवे। पहले एक हमारी संस्कृति में, हिंदू धर्म की संस्कृति में एक अच्छी बात थी, जब भी कोई आदमी शरीर छोड़ता था तो गांव के हर घर से एक नए आदमी निकलकर अंतिम संस्कार के लिए चिता तक जाते थे, ये ट्रेडिशन थी। और जब उसको चिता के समर्पित करते थे तो बैठ करके शोक मनाते थे, और उस समय आदमी सोचता था भाई एक दिन हमारी भी ये दशा होगी। शास्त्रानुसार आदमी दो समय बहुत पछताता है, दो टाइम शास्त्र कह रहे हैं। रति अंत, रति कहते हैं संभोग को, सेक्स को, उसके अंत में पछताता है, और दूसरा शमशान घाट में जाकर पछताता है। जब वो मुर्दे को जलता देखता है तो सोचता है एक दिन मैं भी जल जाऊंगा ऐसे। लेकिन आजकल वो बातें खत्म है। शमशान घाट में जाकर लोग चिंतन नहीं करते हैं, वो एक अवसर होता है पछताने का। ऐसा हमारे साथ हुआ, वहां किससे कहानियां चलते। मूर्ख मनुष्य अधिक संजोए, अपने मोल और को रोवे। जब कोई मर जाता है तो आदमी रोते हैं, अरे बेवकूफ तू अपनी सुध कर, तेरा भी यही हाल होना है। साहब के शब्द बड़ी चेतावनी है। ईद जाने अपनो मर जाइबो, ये नहीं जान रहा, ये नहीं सोच रहा है, चले जाएंगे। अगर आदमी मौत को भी याद रखे तो दुनिया में पाप नहीं करेगा। काल खड़ा सर ऊपरे, काल गए हैं केस, काल खड़ा सर ऊपरे, काल गए हैं केस, ना जाने कह मार सी क्या घर क्या परदेश। इस तरह बंधुओं ये ध्यान रखो, बड़ी मुश्किल से ये मानव तन मिला है, और शास्त्रों के अनुसार बड़ा लंबा टाइम लगता है चार मनों से गुजरना। एक खान में 75 लाख साल लगते हैं। करीब 1 करोड़ साल बाद मनुष्य को ये मानव तन मिलता है, 1 करोड़ साल बाद। दुर्लभ है ये जलचर योनिया जो पानी में रहते हैं, 9 लाख जल के जीव बखाना। जल के जीवों में पेड़ भी आते हैं, कई किस्म के पेड़ हैं। सबसे कठिन योनिया, इसमें 9 लाख जीव हैं और उनकी उम्र बड़ी बड़ी है। ये 9 लाख शरीर 75 लाख साल में पूरे करता है। फिर उखमज में आता है, 27 लाख किस्म के उखमज के जीव हैं, कीड़े हैं, मक्खी है, मच्छर हैं, कई वायरस हैं। वो 27 लाख योनियां भी 75 लाख साल में पूरी करता है, यानी 3 करोड़ साल बाद मनुष्य का तन मिलता है। फिर ये आ जाता है अंडज में, पक्षी 14 लाख पक्षी है, वो भी 75 लाख साल में पूरे होते हैं। फिर आ जाता है पिंडज में, गाय भैंस घोड़े गधे जो मां के पेट से शरीर लेकर जन्म लेते हैं वो पिंडज कहलाते हैं। कुत्ता बिल्ला हाथी घोड़ा आदि, मनुष्य भी पिंडज में आता है, 75 लाख साल इसमें गुजारता है।
आप सोचो कितना कष्ट है। ये कोई मैं बातें नहीं बना रहा हूं, शास्त्रों में भी लिखा है। 84 लाख जीवा जोनियों का उसमें भी उल्लेख है, कितना मुश्किल ये टाइम गुजार कर मनुष्य तन मिला। इसमें ज्ञान तत्व है भाइयों। साहेब भी वाणी में कह रहे हैं, धन भाग जगीरे मानुष रूप मिलो रे मिलो। मनुष्य जन्म अब चूके अपराधी, यही तन के बहुत उपाधि। यहां अगर मोह में फंस जाता है, तात जन्म के हमरो बाला, तात पिता को कहते हैं, जननी मां को कहते हैं, ये कह रहे हमारा बच्चा, स्वार्थ जान कीन प्रतिपाला, कामिन कहे मोर भी आई। स्त्री कहता है ये मेरा पति है, तुम सबटो, बाघिन रूप रास्ते चाहिए, पुत्र कहे कलत्र, रहे लवलाई जम्बुक नाय रहे मुंबई। मैं इस प्रसंग को कई बार उठाया हूं, मैं लोगों से कहता हूं जीते जी अपनी संपत्ति आप किसी के नाम भूल कर मत करना, आप अपनी संपत्ति किसी के नाम नहीं करना। आपका शरीर छूटने के बाद कानून के अनुसार जो हकदार है ऑटोमेटिक उनकी संपत्ति होगी। आज आप कोर्टों में जाकर देखो यही सब चल रहा है, पारिवारिक झगड़े। मैं आज फिर ये बात रिपीट कर रहा हूं, मुझे एक सेना के कैप्टन ने एक बात कही वो मैं कभी नहीं भूलता हूं। मुझे आकर कहा मेरा पुत्र मेरा कत्ल करना चाहता है, मैं हैरान हो गया। हम एक जटिल युग में जी रहे हैं। मैंने कहा आपके पुत्र कितने हैं, बोला एक है। मैं झूठी बात नहीं करता। मैं बोला फिर तो आपके और कैप्टन साहब की आयु भी काफी थी। मैंने कहा फिर आपके न रहने पर ये पूरी संपत्ति तो उसी की है ना, फिर क्यों मारना चाहता, आपको बहम तो नहीं है। बोला नहीं, मैं एक दो बार देखा हूं और मेरी नींद खुल गई, मारना चाहता। क्यों? बोला वो मेरे मरने का इंतजार नहीं करना चाहता है, जल्दी से संपत्ति चाहता है। वो जल्दी से संपत्ति चाहता है। आपकी संपत्ति पर आपके पुत्र का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन उनको पता नहीं है। वो विवश करते हैं। मैं एक मिस्त्री का उदाहरण देता हूं। यानी ये साहब क्या करे, ये सब दुनिया तो मैं लूटेगी, मोए पीछे लेहूं करते नेक धरत नहीं धीर। मिस्त्री था मेरे यहां, गरीब था थोड़ा। बोला गुरुजी बेटे ने अपनी मर्जी से शादी की, ससुराल में रहता है जाकर, वो मुझे परेशान कर रहे हैं कि मेरा हिस्सा दे दो जमीन का। आप मेरी ये बात ध्यान से सुनना। और केस कर दिया है, एसडीएम ऑफिस से, गुरुजी तारीख है मुझे जाना है। वो बेचारा कह रहा है क्या करूं, बार बार तारीख भुगतता हूं तो मैं उसको हिस्सा देना पड़ेगा, लेकिन हिस्सा क्या दूं, मैं गरीब हूं, जमीन थोड़ी है और बेटियों की शादी भी करनी है, मैं मजदूर हूं, मिस्त्री हूं। मैं कहा तुम नहीं घबरो। बोला मैं जाना है कोर्ट में अभी तारीख के लिए। मैंने बोला कब है तारीख, बोला कल।
मैंने कहा आज तू जा, कोर्ट में मेरी नाम ही एक वकील थी, मैंने कहा उससे जाकर मिलना। मैंने उस लड़की को कहा ये बहुत गरीब है, इसकी मदद करना, इसके बेटे को बेदखल कर दो। ताकि ये इसको परेशान करता रहता है। बोला गुरुजी ठीक है। मैंने कहा इससे फीस नहीं लेना। बोला ठीक है। हमने न्याय समिति भी बनाई है जिसमें अच्छे अच्छे वकील है। थोड़ा खर्चा आया 1-2 हज़ार रुपया बेदखली का, इसको फारगती कहते हैं यहाँ, वो दे दी। दूसरे दिन जब कोर्ट में पेश हुआ तो उसको कहा भाई इसको, इसके बच्चे लड़के के, इसको हिस्सा दे दो। उसने वो फारगती का जो कोर्ट से सर्टिफिकेट था एसडीएम को दिखाया। एसडीएम ने लड़के को कहा अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तुम्हें फारगती दे चुका है। अगर आपका बेटा आप पर दावा करता है कि मुझे मेरा हिस्सा दो, तो उसका कोई हिस्सा नहीं है। आपको मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं। मेरे पास जो चीजें आती हैं मैं संगत से शेयर करता हूं ताकि वो सावधान रहे। उसने मुझे कहा गुरुदेव मेरा पति फौज में था, शरीर छूट गया, मेरे 2 बेटे हैं, ये भी एक सत्संग का हिस्सा है। आप एक जटिल दुनिया में जी रहे हैं, यह संसार झाड़ और झंखड़ उलझ पुलझ मर जाना है। माई की उम्र 50 साल तक होगी और आश्रम में रहने के लिए, सेवा के लिए अधिकतर कौन आते हैं वो सुनो, पागल। और पागल को रखना एक झंझट है, पागल कुछ भी कर सकता है। और दूसरा वो बूढ़े जर्जर अवस्था वाले, वो आ जाते हैं। माई भी आई, मुझे कहा गुरुजी मैं यहीं रहना है। मैंने माई से पूछा आप कहां से आई हैं? बोला रामनगर से। क्या आपका घर द्वार नहीं है, आप यहां क्यों रहना चाहती है? मैं तो पूरी दुनिया घूमता रहता हूं, हो सकता है यहां तुम्हारी लुक आफ्टर नहीं कर सके कोई आश्रम में। बोला गुरुजी मेरे 2 बेटे हैं, उन बेटों ने क्या किया, मैं आपसे उपन्यास की कहानी नहीं बोल रहा हूं, घर के प्यारे आदमी चलते लेंगे लूट। उन्होंने मेरे साइन कराकर जितना भी मेरे पति का फंड आया था 25-30 लाख रुपए सबने ले लिया, दोनों बेटों ने मिलकर। मैंने कहा माई तू मेरा साथ देगी, जो मैं कहूं करेगी? मैं उसको भी बुला इन दोनों को फारगती दे। बोला गुरुजी फिर मेरा कौन है देखने वाला? मैं कहा चिंता मत कर, फारगती देने के बाद अगर ये घर में, इनको पुलिस डंडे मारकर घर से बाहर निकालेगी, ठीक है, डंडे मारकर। उनके नाम कुछ नहीं है अभी, बस तू ममता नहीं करना ना, फिर औरतों के काबू में तुम्हें कह रहे यहां से निकल जाओ। घर के अंदर भी नहीं घुसेंगे, अगर घर के अंदर आए एक बार थाने को इतला दोगी फारगती के बाद अंदर आए तो डंडे मार के पुलिस भगाएगी घर से। हम इस जटिल युग में जी रहे हैं। आगे साहब क्या कह रहे हैं सुनिए। काग गीद दोई वरन बिचारे सुकर स्वाम दोई पंथ निहार।
क्या कह रहे हैं, आदमी जब कोई मरने वाला होता है, आपको मैं बीहड़ की बात बताता हूं, भिंड मुरैना की, कम से कम कुत्ते गीदड़ गिद्ध काग इनका नियम है, जिंदे को नहीं नोचते, पर इस कलयुग में संतान जिंदे को नोचती है। सतर्क रहना, हमारी सोशल लाइफ खत्म हो रही है। माता पिता को ईश्वर की तरफ मानते थे, वो युग खत्म हो गया। तो बीहड़ में एक भैंस गिर गई थी कहीं, वो बीहड़ में छोटे छोटे रास्ते हैं, भैंस नहीं निकल पा रही थी। लोगों ने बड़ी कोशिश की भैंस को निकालने की, रास्ते ही नहीं है, वहां बीहड़ है, डाकू भी बीहड़ में रहते थे इसलिए पकड़ में नहीं आते थे। कुछ रोज जिंदी रही भैंस, ऊपर गिद्ध और कौए मंडरा रहे थे, काफी दिन उधर रही, उन्होंने हमला नहीं किया गिद्ध और कौओं ने। गिद्ध और कौओं ने हमला नहीं किया जब तक जिंदी थी। ये बीहड़ है, इसमें जब कोई घुस जाता है तो पता नहीं चलता है, ढूंढा नहीं जाता है, एक से इधर उधर से इधर, ये बहुत लंबा बीहड़ है, इसको बीहड़ बोलते हैं। और कुछ दिन भैंस वहां बीहड़ में फंसी रही, किसी ने गिद्ध और कौए ने हमला नहीं किया, न गीदड़ आए न बाकी नोचने वाले आए। जैसे प्राण छोड़ा तब उन्होंने नोचना शुरू किया। यानी जानवरों का भी एक सिद्धांत है, लेकिन आपकी संतान ये जटिल युग है, जीते जी आपको नोचेगी। क्या बात है साहेब की वाणी की, काग गीत दुई मरण विचारे, सुकर स्वान दुई पंत निहारे। सुकर कुत्ते को कहते हैं, सुअर को कहते हैं, और स्वान कुत्ते को कहते हैं। कम से कम उनका उसूल है, मरने पर नोचते, ये जिंदे नोचेंगे। पुत्र समान को बैरी जग में, साहब कह रहे पुत्र से बड़ा कोई बैरी नहीं। जन्मत ही दारा हर रही, पैदा होते स्त्री छीन लेता है, क्योंकि आपकी स्त्री आपसे प्रेम करती है, लेकिन जब बेटा आया प्रेम डिवाइड हो गया। ब्याह भय घर बेदी, शादी होने के बाद घर छीनता है। आप मन साराम अपने घर में, पहले जब शादी नहीं आराम से चला जाता हो, जब से बहुरी आ गई तो खांसते खूंखते जाएगा, पता नहीं वो कैसे बैठी हो। देखो घर छिन गया, और वृद्ध भय बितहर लेई, बुढ़ापे में पूरे धन पर कब्जा करेगा, उसकी आंखें मुए मुख में लांबू देई, ये चिता तक नहीं छोड़ेगा आपको, ठीक है। वाह पुत्र समान को बैरी जग। अग्नि कहे मैं यात अंजारू, आग कहती है शरीर को जलाना में, सोन कहे जो जात उबारू, धरती कहे मोए मिल जाई, पवन कहे मैं ले उड़ाई। पांचों तत्व अपने अपने स्थान पर जाना चाहते हैं। जय घर को कहे घर गवारे, सो बैरी है गले तुम्हारे। धन संपत्ति परिवार जन नहीं अपनों कर जान, नानक देव जी कह रहे जिन अपनों कर जान, इसमें कुछ साचो नहीं, नानक बिन भगवान। तो जो ये नाम की ताकत आती है वो अंदर की आंख खोल देती है। भैया कहते नहीं है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होगा, जब अंदर की दृष्टि खुल जाती है तो सही गलत सब नजर आता है, नहीं तो ये माया का अंधकार हृदय में है। इसको गोस्वामी जी कह रहे हैं, जीव हृदय तम मोह विषय की छूटे न ग्रंथ किम जाए न पे। इस तरह शरीर के अंदर ये धमाल करते रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार,
और जैसे हृदय में अजोर हो गया ये दिखेंगे। नाम दीप धर दे हरि जो चाह सुजा, ये सुमरण भूलना नहीं। नानक जो निश्चिन बजे रूप राम तहजान, हरिजन हरि अंतर नहीं नानक सच में। लेकिन अंदर बैठे दुश्मन आपको सुमरण से भी हटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब गुरु एक अध्यात्म ताकत देता है तो आप ये बात समझेंगे। क्षमा चाहता हूँ, समय होगा।